फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी फिजिक्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जनरेटर, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ चुके हैं। अब मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद हम जनरेटर मोटर सभी पढ़ सकते हैं, हमारे सभी प्रिंसिपल्स आसानी से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल तो हम जनरेटर के प्रिंसिपल पर बात करें तो जनरेटर का प्रिंसिपल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनरेटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है। चार ऑप्शन दे देगा, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर देखें जो मैं बता भी चुका है एनर्जी कन्वर्जन में, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो क्या लिखेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में बोले तो फैराडे के विद्युत चुंबकत्व प्रेरण पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो किस पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इंग्लिश में बोले तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये ऑप्शन में जरूर नहीं कि सिद्धांत का नाम दे, नाम जरूर नहीं है, सिद्धांत को दे दे डायरेक्ट शॉर्ट में। तो सिद्धांत क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, हम देख चुके हैं, मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था कि क्या होता है यदि इसको बोले, ये तो हो गया इसका बेसिक प्रिंसिपल का नाम, नाम हो गया प्रिंसिपल का, लेकिन प्रिंसिपल ही दे दे शॉर्ट में। तो प्रिंसिपल क्या था कि जैसे कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यही सिंपल प्रिंसिपल था। तो क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर कट्स मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो। तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल है, कंडक्टर्स मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस पैदा होगा। हिंदी में बोले तो कि कंडक्टर मीन्स चालक, जब भी चालक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को कट करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल पैदा होता है या उत्पन्न होता है। ये था इसका सिंपल प्रिंसिपल जो हमेशा से देखते आ रहे हैं, चालक जैसे चुंबकीय फलक से चुंबकीय फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, बोलेगा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो ये था इसका बेसिक प्रिंसिपल जो हमने देख लिया। अब बेसिक प्रिंसिपल के बाद में इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिहाज से, वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके फेवरेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। हिंदी में बोले तो संरचना। सिंपल यदि हम बिल्कुल बेसिक बात में देखें, वैसे तो बहुत से पार्ट्स होते हैं जनरेटर के प्रैक्टिकली, तो लेकिन सिंपल हम बेसिक पार्ट देखें तो संरचना में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें तीन चीजों की जरूरत। जैसे हमें एनर्जी कन्वर्जन में देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदले या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हमने ले लिया एन एस, दो चीज क्या, एक तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, एक आर्मेचर चाहिए जो इस फ्लक्स को काटेगा, जो भी फ्लक्स एन टू एस पर चुंबकीय बल रेखाएं बहेंगी इनको काटने के लिए आर्मेचर चाहिए। अब जैसे इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और यही क्या होता है जनरेटर में होता है कि हम जैसे घुमाते हैं ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो मेन दो पार्ट्स है, एक तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का पार्ट चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करे, उसे हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगी वो कोइल्स, वो वाइंडिंग।
और एक तो होता है फील्ड वाइंडिंग, एक दूसरा हो जाएगा आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, ये क्या होते हैं, वायर्स होते हैं जो इसको कट करते हैं। तो जो वायर्स होते हैं जो इसको कट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, उन्हें बोलते हैं आर्मेचर। उस सिस्टम को हम बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में बहुत से वायर्स होते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल हम एक का अध्ययन करते हैं, लेकिन आर्मेचर में बहुत से वायर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कौन से टाइप की वाइंडिंग यूज की, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो दो कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट हो गए, एक तो चुंबकीय क्षेत्र, एक आर्मेचर। अब चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रैक्टिकली समझाने के लिए एनएस ले लेते हैं, प्राकृतिक चुंबक, जो चुंबक होती है प्राकृतिक, लेकिन एक्चुअल में ये करंट से पैदा किए जाते हैं। इधर वाइंडिंग कर देते हैं, इधर वाइंडिंग कर देते हैं, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग, जो आगे इसकी फिक्स कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और ये हो गया आर्मेचर, जहाँ पे जो भी वायर्स हैं ये सब आ जाते हैं, ये हो गया आर्मेचर। तो दो चीजें हो गई आर्मेचर, और ये वही, ये जो दोनों तरफ है ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। तो दो पार्ट्स हो गए इसके, कौन कौन से, आर्मेचर और दूसरा हो गया, एक तो आर्मेचर, दूसरा हो गया फील्ड वाइंडिंग, फील्ड बोल दो। ठीक है, ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करें वर्किंग की। तो हम क्या वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वर्किंग का कोई मतलब नहीं बनता। वर्किंग थ्योरी में काम आती है, जब आप सेमेस्टर पेपर या ईयरली पेपर देते हो उनमें काम आती है। वर्किंग समझाइए, ऐसे यहाँ पे कभी नहीं बोलेगा कि मुझे डीसी जनरेटर की वर्किंग समझा दो, कार्य प्रणाली समझा दो। और ये अगर आपको समझने का इंटरेस्ट है, समझने के लिए आपको आसानी रहेगी बाकी चैप्टर समझने में, तो आप एनर्जी कन्वर्जन देखिए, उसमें मैंने सभी प्रिंसिपल समझा दिए, डीसी मोटर के, जनरेटर के, या फिर बोले ट्रांसफॉर्मर के, जितने भी, या फिर बोले मेजरमेंट डिवाइसेज, गैलोन मीटर वगैरह, वो सब के सब मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे वर्क करते हैं। वहां पे मैंने सभी प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक ही है, सेम ही है, कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके अंदर आप जैसे रोटेट कराएंगे ईएमएफ पैदा होगा, और यदि आप करंट देंगे ईएमएफ देंगे तो वहां पे मोशन पैदा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे वर्किंग की बात नहीं करेंगे, वर्किंग पढ़नी है तो आप वहां से पढ़िए या फिर बाद में पढ़ लेना फुर्सत से। अभी हम एग्जाम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं जिनका वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल जनरेटर के पार्ट्स। तुम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल जनरेटर, वास्तव में जनरेटर कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हमने जनरेटर के अभी कंस्ट्रक्शन देखी थी, उसमें हमने दो चीज देखी, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, ये दो ही चीज चाहिए, लेकिन ये दो चीज चाहिए, लेकिन पूरा जो प्रैक्टिकल जनरेटर बनाते हैं उसमें बहुत से पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके दो चीजें बनती है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग, या बोले मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसके पार्ट्स देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं योक। तो योक क्या होता है, योक सबसे पहले हम इसका पार्ट योक ही देखते हैं। ये सबसे बाहरी पार्ट होता है, जैसे कोई भी जनरेटर है उसका जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जो उसका आवरण होता है चारों तरफ का, वो क्या होता है, योक होता है। अब इसके ऊपर ये जो पार्ट्स है इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सभी याद करने की चीजें हैं, इनमें कोई प्रिंसिपल नहीं लगता है, ये याद करने की चीजें हैं, इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस काम में आता है। तो हम इनको शॉर्ट में देखेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कई बार डायरेक्ट डाटा भी पूछ लेते हैं, याद किए हुए आंकड़े, उनमें कोई प्रिंसिपल या समझने का लेना देना नहीं होता। फिर भी अपन इनको ढंग से देखते हैं कि योग क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट, इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या काम करता है। मैंने बताया इसको बिल्कुल हिंदी में आपको बताया कि ये बाहरी आवरण होता है। अब इसकी क्या क्या काम करता है, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट मतलब उसको जनरेटर को मैकेनिकली सपोर्ट प्रदान करता है। फिर बोले हम इसको कि ये प्रोटेक्टिंग कवर अपने जो जनरेटर है उसको आवरण प्रदान करता है, उसे बाहरी जो भी बाहरी कार्यक्रम से बचा के रखता है। दूसरा हम बोले तो क्या होता है, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग कवर होता है, एक तरह से अपना कवर होता है जनरेटर का। तीसरी बात बोले हम इसके बारे में, तो बोलेगा योग किस चीज का बना होता है, तो योग का मटेरियल जनरली कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े जनरेटर्स होते हैं, तो लार्ज जनरेटर्स में किसका होता है, कास्ट स्टील का। दोबारा रिपीट करता हूँ, योक सबसे बाहरी आवरण होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, प्रोटेक्टिंग कवर है ये बचा के रखता है बाहरी कारकों से जनरेटर को, और स्टील आयरन का बना होता है, लेकिन जो बड़ी मशीनें होते हैं, लार्ज मशीन होते हैं, बड़ी मशीनें होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, स्टील, कास्ट स्टील का बना होता है।
अब इसके बाद हम दूसरा इसका पार्ट देखते हैं जनरेटर का, दूसरा हम देखते हैं पोल कोर्स। पोल कोर्स या इनको पोल शूज भी बोल देते हैं। तो पोल कोर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये क्या होते हैं, पोल कोर होते हैं और इनके ऊपर पोल कॉइल्स लगी होती हैं। वो क्या, मैग इसी के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या करती हैं। इसका सबसे पहले हम पॉइंट देखें तो स्प्रेड आउट फ्लक्स इन द एयर, कि ये फ्लक्स है उसको एयर के अंदर छोड़ती है। जैसे फील्ड का काम क्या होता है, फ्लक्स पैदा करके बीच में एयर में छोड़ना, बीच में क्या होता है आर्मेचर वो कट करेगा, तो ये क्या करते हैं स्प्रेड आउट द फ्लक्स, स्प्रेड आउट फ्लक्स इन एयर, मतलब फ्लक्स को इन दिन बोले तो फ्लक्स को स्प्रेड फैलाना, फैलाना बोले फ्लक्स को, अब फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ फैलाती है या फेंकती है, तो एक होती है पोल कोर्स। फिर हम क्या, इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या पॉइंट होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है इनका, मतलब इनका सरफेस होता है वो बड़ा होता है, तो इनके लिए क्या होता है लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया, तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज होता है और ये रिलक्टेंस इनका कम होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को ये फेंक सके, फ्लक्स को फ्लो होने में दिक्कत ना आए। तो इनका रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस कम होता है इनका, रिलक्टेंस कम होता है, मतलब रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो ये था आयरन कोर। फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, पोल कोइल्स। पोल कोइल्स क्या होती हैं, इनके ऊपर क्या पूछेगा, पहली चीज कि ये कॉपर की बनी होती हैं। इनका काम क्या होता है, पोल कोइल्स हैं जो कॉपर की बनी होती हैं, कॉपर वायर की बनी होती हैं। और दूसरी चीज है ये करती क्या है, कि जैसे इनमें से करंट प्रवाहित होगा, करंट आई फ्लो करवाओगे तो ये क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे। अब आप इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, कौन कौन से, एक तो कोइल और एक कोर, ये दो बार बार आएंगे, सभी जगह आएंगे, तो एक बार इनको अच्छे से देख ही लो। तो होता क्या है, कोर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं इसी की, पोल कोइल और पोल कोर की बात करते हैं, तो हम एक तो होता है कंस्ट्रक्शन की, जैसे हम चलो उसी का एग्जांपल, ये क्या होता है कि कोर तो होता है एक आवरण कोई भी मटेरियल का बना है, लेकिन कोइल क्या होती है, उसके ऊपर जो कोइल करते हैं जो फ्लक्स पैदा करती है, और कोर क्या होता है, कोर के अंदर से प्रवाहित होता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये ट्रांसफॉर्मर है, तो ये तो क्या है, जो मटेरियल है जो कोर बनी होती है, ये तो क्या है, ये इसी को बोलते हैं कोर, लेकिन कोर के ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं इनको हम बोलते हैं कोइल। ये क्या है, ये कोर है, ये तो कोर है पूरा, ये जो मटेरियल है, लेकिन कोइल की नहीं बोलते हैं, जो कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, तो वाइंडिंग बहुत सी होती है लेकिन वो की कहाँ पे जाती है, कोर के ऊपर। तो इसी तरह पोल कोर होता है, पोल कोर मटेरियल होता है, उसके ऊपर पोल कोइल की जाती है। तो पोल कोइल क्या, पोल कोइल मतलब वायर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं, और जैसे इनमें से करंट प्रवाहित करवाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। लेकिन ये वाइंडिंग, ये कोइल्स होती किन के ऊपर है, ये कोर्स के ऊपर होती है। कोर क्या करती है, कोर का एरिया ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स गुजरे, और लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, और इनका रिलक्टेंस, इनका प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स प्रवाहित करें। ठीक है, ये आप चीज समझ पाए, हर जगह काम आएगी कोर और कोइल। तो कोर क्या होता है, जैसे इधर हमने एनएस ले लिया जो भी वाइंडिंग बनाई, तो ये तो हो गई कोइल्स वाइंडिंग, लेकिन ये वाइंडिंग किन के ऊपर हुई, ये वाइंडिंग जिन पे होती है वो होती है कोर, इनका काम होता है फ्लक्स को प्रवाहित कराना। तो ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अभी हम और पार्ट से देखते हैं इसके, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर और इसके आगे जस्ट देखेंगे आर्मेचर कोर, देखते हैं आर्मेचर कोर के बाद हम देखेंगे आर्मेचर कोइल। आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं इसे, या फिर कोइल भी बोल सकते हो आप। अब होता क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग वो सेम टू सेम है, कोर और वाइंडिंग है, कोयल का खेल है। मतलब आर्मेचर कोर होगी किसी भी, किसी धातु की बनी होगी, उसके ऊपर जो वाइंडिंग करते हैं, जो कोयल करते हैं, वो क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग।
ओके, तो वो जो पहले मैंने बताया था कोर और कोइल, तो आर्मेचर कोर कैसी होनी चाहिए? आर्मेचर कोर क्या होती है, कंडक्टर्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। आर्मेचर कोर मटेरियल की बनी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एक तरह से कंडक्टर्स का घर होती है। आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं उनका घर होती है बोल सकते हैं। तो इसको हम एक तो बोल सकते हैं कि आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर जो कंडक्टर हैं, जो चालक हैं, आर्मेचर कंडक्टर का घर होती है। मतलब इसमें बहुत से आर्मेचर कंडक्टर इसके अंदर लपेटे हुए होते हैं, इसके ऊपर होते हैं। जो आर्मेचर कोयल होती है ये होती है ना, ये बहुत सी होती है, इनके ऊपर होती है। आर्मेचर कोर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, हमने बोल दिया आर्मेचर कोयल मतलब आर्मेचर जो वायर होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, उनका घर है। दूसरा हम बोलेंगे इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल या ड्रम, मतलब सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। इसकी शेप क्या होती है, बेलनाकार होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। फिर हम आर्मेचर कोर को क्या करते हैं, आर्मेचर को रोटेट किया जाता है ताकि फ्लक्स कटे, तो इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं मतलब इसको घुमाते हैं, आर्मेचर कोर को जब इसको घुमाते हैं तो इसके ऊपर क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, वो भी घूमती है और फ्लक्स कटता है और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ये हमारा टारगेट था। फिर इनका रिएक्टेंस लो होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इनसे गुजरे, तो इनका लो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस लो होता है इनका, कम होता है। फिर इनके ऊपर थिनर लेमिनेशन किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्मेचर कोर के ऊपर लेमिनेशन किया जाता है। थिन यानी हल्का, थिन यानी पतला, क्या होता है पतला, लेमिनेशन, लेमिनेशन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एडी लॉसेज को कम करने के लिए, एडी लॉसेज होते हैं उनको कम करने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्मेचर कोर में कि इसके ऊपर लेमिनेशन किया जाता है, थिन यानी पतला लेमिनेशन किया जाता है, बहुत टुकड़ों में बांटा जाता है आर्मेचर कोर को अलग अलग में, और ताकि एडी लॉसेज कम हो। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे कि एडी लॉसेज क्या होते हैं, आप पढ़ भी चुके हिस्टेरेसिस में मैंने बताया था, तो ये लेमिनेशन से कम होते हैं एडी लॉसेज। फिर हम आर्मेचर कोर वाइंडिंग या कोयल की बात करते हैं, इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ वहां मैंने बता दिया कि आर्मेचर कोर होती है, जैसे आर्मेचर कोर सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे इसके अंदर बहुत से वायर होते हैं, ऐसे आर्मेचर कोयल होती है, इसमें बहुत से कंडक्टर्स होते हैं जो सिलेंड्रिकल फेस के ऊपर जाकर मिलते हैं इससे, ये ऐसे होती है, उधर भी पीछे से भी बहुत से वायर होंगे जो होंगे, तो ये सिलेंड्रिकल कोर होती है, इसके ऊपर ये जो होती है, ये कोर होती है, इनके ऊपर वाइंडिंग होती है बहुत सारी, जो होती है आर्मेचर वाइंडिंग, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। फिर आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर वाइंडिंग जब आर्मेचर कोर घूमता है तो आर्मेचर वाइंडिंग भी घूमेंगी, जैसे ही घूमेंगी तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और यही तो हम चाहते थे, यही तो जनरेटर करता है कि जैसे फ्लक्स काटो, फ्लक्स काटेंगे तो ईएमएफ पैदा होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी दो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लो। फिर आर्मेचर वाइंडिंग हमने पढ़ ली, अब इसके बाद पार्ट्स और बचते हैं इसके, कम्यूटेटर और ब्रश, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट आता है जनरेटर का, कम्यूटेटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें याद करने का भी कुछ नहीं है, दो ही पॉइंट्स है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या करता है कि जैसे आर्मेचर में करंट पैदा हो गई, यहां तक हमने देखा भाई आर्मेचर कोयल घूमी उनमें करंट पैदा हो गया, तो आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करता है, करंट को इकट्ठा करता है, तो इसका पहला काम क्या करता है कि ये आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करता है या इकट्ठा करता है, क्या करता है, आर्मेचर से करंट को इकट्ठा करता है, जैसे आर्मेचर में करंट पैदा हुआ उसको ये इकट्ठा करता है। और उसके बाद इसका जो मेन काम है कम्यूटेटर का, ये काम होता है कि ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में, कैसे, जब भी आप रोटेट कराएंगे किसी चीज को कहीं भी, जनरेटर कोई सा भी हो, कोई सी मोटर हो, तो वहां पे हमेशा जनरेटर के अंदर हमेशा एसी पैदा होती है, जब भी आप रोटेशन कराएंगे तो एसी पैदा होती है, डीसी कहीं भी पैदा नहीं होती, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल है, डीसी केवल सेल से या बैटरी से पैदा कर सकते हैं हम, इसके अलावा डीसी पैदा नहीं कर सकते हम, डीसी केवल सेल और बैटरी से पैदा होती है, या फिर बोलें सोलर सेल होता है उससे भी हम डीसी, उससे भी डीसी पैदा होती है, लेकिन जहां भी गति होती है, जहां भी मैकेनिकल मोशन होता है, जैसे जनरेटर है, जनरेटर वगैरह हम सब में हमेशा एसी पैदा होती है, क्योंकि रोटेशन करते हैं और मैकेनिक एनर्जी कन्वर्जन में मैंने बताया कि हमेशा एसी पैदा होती है, जैसे जैसे वो
आर्मेचर वाइंड नहीं घूमती है, तो हमेशा पैदा एसी होती है जो भी पावर जनरेटिंग स्टेशन है, लेकिन उसको डीसी में बदला जाता है। जैसे भी हमें को डीसी की जरूरत है तो उसको डीसी में बदल लेते हैं। तो डीसी में यहाँ पे क्या बदलता है, जो जनरेटर होता है वो उसमें क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। अब कम्यूटेटर काम कैसे करता है, ये मैकेनिकल का फंक्शन है कि वो जैसे हाफ चक्कर लगाता है आर्मेचर, हाफ चक्कर में कम्यूटेटर अपना रोटेशन भी कर देता है, तो वापस से उसी डायरेक्शन पे करंट फ्लो होने लग जाती है। इस तरह से करंट को डीसी में बदलता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे कि आर्मेचर से करंट कलेक्ट करता है पहला काम यह कम्यूटेटर का, और सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि एसी को डीसी में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कम्यूटेटर का काम कौन सा है, एसी को डीसी में बदलता है। फिर हम कम्यूटेटर के बाद में देखते हैं, लास्ट पॉइंट बचता है ब्रशेज एंड बियरिंग। लास्ट टॉपिक क्या बचता है, ब्रशेज, ब्रशेज एंड बियरिंग्स। ब्रशेज और बियरिंग्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं कि आर्मेचर था, आर्मेचर वाइंडिंग थी, ये आर्मेचर था, आर्मेचर के बाद क्या क्या लगा दिया हमें, कम्यूटेटर लगा दिया। इसका काम क्या होता है, बदलना कम्यूटेटर। और जो कम्प्यूटेटर होता है इनमें इसमें दो पार्ट्स होते हैं, जो दोनों वायर से जुड़े होते हैं, दो वायर होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, लेमिनेशन भी होता है, मतलब इंसुलेटिंग काम करता है, वो होता है माइका। ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं, लेकिन पूछ सकता है कि कम्प्यूटेटर के अंदर लेमिनेशन यानी कम्प्यूटेटर के अंदर इंसुलेटर के रूप में क्या यूज किया जाता है, दोनों पार्टों के बीच में क्या करते हैं, माइका, मिका। ये क्या मिट्टी टाइप से होती है जो इंसुलेटर का काम करती है, मतलब अचालक का काम करती है, ये दोनों वायरों को कंडक्ट, दोनों पार्ट्स को कंडक्ट नहीं करने देती, चालक नहीं करने देती, क्या होती है, कुचालक होता है, माइका, मिका यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्रशेज या बियरिंग्स की बात हम कर रहे थे, तो ब्रशेज या बियरिंग्स के अंदर ये इनका वर्क क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आर्मेचर था, आर्मेचर से के बाद कम्यूटेटर के पास करंट गई, कम्यूटेटर ने उसको डीसी में बदल दिया। फिर जैसे ही कम्यूटेटर से आगे जाते हैं तो वहां पे ब्रशेज होती हैं। ब्रशेज का काम क्या होता है, कम्यूटेटर से वापस से करंट को इकट्ठा करना और लोड को देना। बियरिंग्स का क्या काम होता है, बियरिंग या ब्रशेज का काम क्या होता है कि ये कम्यूटेटर से करंट को लेती हैं और आगे लोड को सप्लाई करती हैं। तो हम इनका पहला पॉइंट देखें ब्रशेज का, तो पहला पॉइंट तो क्या बन गया कि ये करंट को कलेक्ट करती हैं, करंट को कलेक्ट करती हैं, किससे कलेक्ट करती हैं, कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं और उसको कहाँ देती हैं, लोड को देती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लैंग्वेज में, लिखाने कोई मतलब नहीं है। करंट को कहाँ से, कम्यूटेटर आर्मेचर से, कम्यूटेटर में आया करंट, फिर कम्यूटेटर से ब्रशेज के पास जाता है, ब्रशेज क्या करती हैं, इसको कलेक्ट करती हैं और कहाँ पे देती हैं, लोड पे देती हैं। लोड जो भी हमारा लोड है, तो जहाँ भी हमें पहुँचाना है करंट को वहाँ पहुँचाती हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि ब्रशेज या बियरिंग्स मटेरियल की बनी होती है, किस धातु की बनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ भी लिया जाता है, कार्बन की बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, कार्बन की। तो ये जितने भी पार्ट्स हमने देखे इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यदि वो डाटा पूछना चाहता है, आंकड़े पूछना चाहता है कि कौन सी जो जनरेटर के कंपोनेंट्स है वो कौन से किस चीज से बने हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है। फिर हम इसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग्स को देखते हैं, हम देखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग को WDG से भी लिख देते हैं शॉर्ट में, आर्मेचर वाइंडिंग, या इसको से लिखते हैं वाइंडिंग कंप्लीट। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग यानी कोयल कुंडली। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार, आर्मेचर वाइंडिंग कॉन्सेप्चुअली दो प्रकार की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर से स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग पहली होती है वेव वाइंडिंग, और दूसरी होती है लैप वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग होती है कि इसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उनको दो पैरेलल पाथ में बांटा जाता है, किसमें, दो पैरेलल पाथ में, दो पैरेलल पाथ में, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को दो पैरेलल पाथ में बांटा जाता है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनता भी नहीं है और इसको समझने से कोई मतलब भी नहीं है, मतलब पैरेलल पाथ को हम आगे जब
इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे जनरेटेड ईएमएफ का जनरेटर के लिए, तो उसमें ए आता है, ए क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो इसके लिए ए का मान 2 होता है। बस ये आपको याद रखना है कि इसमें पैरेलल पाथ्स की संख्या कितनी होती है, 2 वेव वाइंडिंग में। अब दूसरी वाइंडिंग होती है वो होती है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होती है, लैप वाइंडिंग के अंदर एक का मान होता है जो पैरेलल पाथ्स है, इनका मान क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स ए है, वो जितने भी नंबर ऑफ पोल्स है, जितने पोल का जनरेटर है उसी के बराबर होता है। एक का मान कितना होता है, नंबर ऑफ पोल्स। तो इसके ऊपर बस डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि वेव वाइंडिंग है उसके अंदर पैरेलल पाथ की संख्या 2 होती है, लैप वाइंडिंग है इसके अंदर जो पैरेलल पाथ जो ए है, पैरेलल पाथ की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ पैरेलल, मतलब हिंदी में बोले तो नंबर ऑफ यानी समांतर यानी आर्मेचर पथों की संख्या बराबर नंबर ऑफ पोल, आर्मेचर पथों की संख्या बराबर पोल्स की संख्या। जैसे अपन एग्जांपल लें कि हमारा जनरेटर है वो 4 पोल जनरेटर है, या बोले 6 पोल जनरेटर है, 4 पोल है तो पथों की संख्या, आर्मेचर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, एक का मान हो जाएगा 4। यदि 6 पोल जनरेटर है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 6। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, बस ये दोनों वाइंडिंग के जो टाइप्स थे इनमें यहीं से क्वेश्चन बनता है कि वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग है इसके लिए हमेशा एक का मान 2 ही रहेगा, पैरेलल पथों की संख्या हमेशा 2 रहेगी कॉन्स्टेंट। लेकिन लैप वाइंडिंग है इतने, इसके अंदर जितने पोल का जनरेटर है उतने पोल की उतने ही पैरेलल पथ होंगे आर्मेचर के, तो आर्मेचर वाइंडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जनरेटर, टाइप्स ऑफ जनरेटर में हम देखेंगे कि जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, समझने का पार्ट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज आधारित भाषा के ऊपर। तो हम टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ते हैं, तो जनरेटर को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड में क्या अंतर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड होता है, इनमें एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, एक्साइट होता क्या है, एक्साइट फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरेट होती है, उसी को बोलते हैं एक्साइट। कि किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, अलग से एनर्जी देके, अलग से करंट, किसी अलग से सोर्स से करंट देके कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एक्साइटेड मतलब जनरेटर खुद का करंट ही इस्तेमाल कर रहा है। जनरेटर क्या होता है, जैसे आर्मेचर कोइल होती है, इधर दोनों तरफ फील्ड वाइंडिंग होती है, या एनएस मान लिया फील्ड वाइंडिंग होती है, तो एक फील्ड वाइंडिंग को जो करंट देते हैं अपन, एनर्जी देते हैं, ये क्या होता है कि जैसे जनरेटर है, जनरेटर में करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसी करंट को हम इसमें दे दें तो उसे बोलते हैं सेल्फ, यानी खुद के करंट को ही जनरेटर वाइंडिंग में दे रहा है ताकि फ्लक्स पैदा हो सके, N2S मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सके, उसे तो बोलते हैं सेल्फ जनरेटर। और यदि हम इसके अंदर करंट देने के लिए बाहर से कोई डीसी बैटरी वगैरह लगाएं, बाहर से कुछ भी सोर्स लगाए, बाहर से अलग से कोई सोर्स लगा दिया इसको पावर देने के लिए, तो उसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, जब बाहर से इसको करंट दिया जाए किसी और सोर्स से, वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड। और यदि खुद के करंट को ही वाइंडिंग में दे दे ताकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो ले, खुद के करंट को दे दे जनरेटर, उसे बोलते हैं सेल्फ। तो सेपरेटली और सेल्फ आप समझ चुके। अब ये कई प्रकार के होते हैं सेल्फ जनरेटर, इनके बारे में देखते हैं, सीरीज शंट, क्लोन शंट, काफी टाइप के होते हैं, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जनरेटर, इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाता है थ्योरेटिकल। फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, कि कंस्ट्रक्शन के आधार पे या फिर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर को मेनली 2 पार्ट्स में बांटते हैं, पहला हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड
सेपरेटली एक्साइटेड आपको नाम से मालूम चल रहा है कि इसको अलग से कोई सोर्स लगा के इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाएगा। देखो जो भी जनरेटर है उसमें जनरेटर मोटर कुछ भी हो, दो ही वाइंडिंग होती है, दो ही चीज़ होती है, आर्मेचर और फील्ड। तो हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स लगा के जनरेट करेंगे। तो इसका हम कैसे बनाएंगे कि ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, इसको अलग से कोई डीसी सोर्स हमने लगाया और अलग से डीसी सोर्स लगाया उसके द्वारा इसको एनर्जाइज करेंगे। तो फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सोर्स लगाया उससे हम फील्ड वाइंडिंग को करंट देंगे। और आर्मेचर है, आर्मेचर कैसे बनाते हैं आपको बता रखा है मैंने, ऐसे चैन बनाते हैं, ये आर्मेचर बन गया। ये साइन क्या बताता है, करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा। तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या है, कुछ नया नहीं है, बस इसकी जो फील्ड है उसको अलग से सप्लाई देके एनर्जाइज करते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसको वही सप्लाई दी जाती है जनरेटर से ही, जनरेटर में जो करंट पैदा होती है उसी को फील्ड वाइंडिंग में दी जाती है। कैसे कि अभी जनरेटर, अब इसको दो प्रकार के होते हैं, सीरीज और शंट, सीरीज वाउंड और दूसरा होता है शंट वाउंड, एक और होता है कंपाउंड वाउंड जिसको हम देखेंगे अभी। तो इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन बना देता है कि सीरीज जनरेटर है, सीरीज वाउंड जनरेटर है, सेल्फ एक्साइटेड का जो पार्ट है इसके अंदर सीरीज ये फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बना के दे देगा। तो सीरीज जनरेटर की हम सीरीज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में ही हम क्या करते हैं फील्ड वाइंडिंग लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लोड हो जाएगा। तो सीरीज वाउंड में क्या होता है, कुछ नहीं सिंपली है, दो चीजें होती है हमेशा से, आर्मेचर और फील्ड, ये दोनों क्या सीरीज में होती है। फिर हम संट की बात करें तो संट के अंदर आर्मेचर होता है वो फील्ड के पैरेलल में होता है, ये आर्मेचर है, ये किसके पैरेलल में आ जाएगा, संट मतलब ही पैरेलल होता है, तो संट मतलब ये पैरेलल में आ जाएगा, ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए और यहाँ हम लोड लगा देंगे जो भी हमारा लोड है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर और फील्ड पैरेलल में हो गए, ये हो गए शंट। कंपाउंड में क्या होता है कि फील्ड वाइंडिंग कई टुकड़ों में होती है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, दोनों टाइप से होती है, तो हो जाता है कंपाउंड वाउंड जो भी हम देखेंगे। अब सीरीज के अंदर या तो कंस्ट्रक्शन से दे देगा कि ये दोनों सीरीज में होते हैं और शंट वाउंड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों पैरेलल में होते हैं, या फिर करंट के ऊपर क्वेश्चन बना देगा कि आर्मेचर और सीरीज दोनों में से एक ही करंट गुजरेगी। इसकी बात करें हम, आर्मेचर करंट किससे लिखते हैं, आईए से, आर्मेचर में जो करंट बहती है इसे बोलते हैं आईए। तो यहाँ पे जो करंट इधर से आर्मेचर में बहेगी वो की वही करंट तो फील्ड में जाएगी, जो फील्ड वाइंडिंग है इसको क्या बोलते हैं, सीरीज है तो इसको आई एस ई बोल देते हैं, फील्ड वाइंडिंग है सीरीज में। तो ये दोनों क्या बराबर होंगी, बराबर क्यों होंगी, क्योंकि सीरीज में करंट है, सीरीज में करंट हमेशा समान होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीरीज में कि आर्मेचर करंट और सीरीज जो फील्ड करंट है, सीरीज करंट दोनों बराबर होंगी, इसको सीरीज करंट बोलो या फिर चाहे फील्ड करंट बोलो। तो आई ए बराबर आई एस सी, सीरीज करंट बराबर होगी। अब शंट की बात करते हैं, करंट निकलती कहाँ से, इंड्यूज कहाँ होती है, हमेशा आर्मेचर में होती है, तो करंट हमेशा आर्मेचर में इंड्यूज होती है और निकलती है, जैसे यहाँ से आई आई ए करंट, आर्मेचर में क्या होती है आई ए करंट होती है, आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट है इसी में से हम फील्ड को भी देते हैं शंट में, सेल्फ एक्साइटेड है भाई, जो करंट आर्मेचर में होगी पैदा होगी जनरेटर में उसी को फील्ड में दिया जाता है, इसको क्या बोल दिया आई एस एच, आई एस एच ये शंट करंट हो गई। इधर जो करंट जाएगी वो लोड के पास जाएगी, ये हो गई आई एल। तो इसके लिए क्या बन जाएगा कि जो आर्मेचर करंट है ये दो चीजों में जा रही है, एक तो फील्ड वाइंडिंग में जा रही है और एक लोड पे जा रही है। तो आर्मेचर करंट किसके बराबर हो जाएगी, आई एस एच शंट फील्ड शंट करंट प्लस लोड करंट आई एल। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट बनता है, इससे ज्यादा लेवल पे हो जाएगा नहीं कि इनका ग्राफ बना के दे दो या और कुछ कर दो, वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा है तो कंस्ट्रक्शन पे कि सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज वाउंड जनरेटर, इसमें आर्मेचर और सीरीज दोनों किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में, और शंट है इसमें दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, या फिर करंट पे जाएगा कि इनमें तो करंट बराबर होती है, आप जानते हैं सीरीज में करंट हमेशा बराबर होती है। और यहाँ पे शंट की बात करें तो शंट के अंदर करंट क्या होती है, आई ए करंट है, दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ये शंट को भी जाएगी, फील्ड में भी जाएगी करंट,
और बाकी करंट लोड में जाएगी, और फिर जब करंट इधर से जाएगी वापस से ISH इधर आ जाएगी, जो IA करंट जाएगी वो लोड शो करके वापस से वो भी इधर आ जाएगी। मतलब जितना करंट जाएगा उतना वापस जाना आना होता है, ये किरचॉफ का नियम भी था। तो ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो अब हम देखते हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर, जो सेल्फ एक्साइटेड का पार्ट है कंपाउंड वाउंड जनरेटर। कंपाउंड वाउंड जनरेटर क्या होता है, इसका नाम से आपको मालूम चल रहा है, कंपाउंड मतलब मिश्र, मिश्रण मतलब दोनों प्रकार के, मतलब मिश्रित, मिश्रित वाउंड जनरेटर। मिश्रित मतलब इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज और पैरेलल दोनों टुकड़ों में होगी, दोनों के रूप में होगी सीरीज। अब कंपाउंड वाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट जनरेटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। इन पे से क्वेश्चन पूछ लेता है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। लॉन्ग शंट में क्या होता है कि आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग होती है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है आर्मेचर और सीरीज में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसके पैरेलल में, पूरे के पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग और होती है, तो इसे बोलते हैं हम सीरीज वाइंडिंग, इसे बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, इसे बोलते हैं शंट वाइंडिंग। तो ये तो हो गया आर्मेचर, ये हो गई सीरीज वाइंडिंग, ऐसी से लिख देंगे इसे सीरीज वाइंडिंग हो गई। इसके रेजिस्टेंस को हम आर एस लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, इसके रेजिस्टेंस को आर एस एच। इसमें जो करंट बहेगा उसे हम क्या बोल देंगे, आई एस एच, आई एस सी सीरीज, और इसको क्या बोल देंगे, आई एस सी, आई एस एच शंट करंट। इधर क्या होता है, इधर लोड हो जाएगा वो सेम, इसमें होता क्या है, शंट लॉन्ग शंट देखें तो इसमें आर्मेचर करंट जो होती है, आर्मेचर करंट जो यहां से निकलेगी आर्मेचर में से, ये होती है आई ए, आई ए और आई एस एच ये दोनों बराबर होती हैं, आई ए और आई एस सी सीरीज करंट और आर्मेचर करंट बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ पे क्या होगा आई ए इक्वल टू आई एस सी। इसमें आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बराबर होगी, जबकि आई एस एच क्या होगी, आई एस एच क्या होगी, आई ये दोनों बराबर होंगी आई ए और आई एस एच, और ये दो बराबर होंगी, ये जो करंट निकलेगी आर्मेचर में से यही दो पार्ट में जाएगी, इधर लोड पे जाएगी आई एल और इधर क्या जाएगी शंट पे जाएगी पैरेलल में। तो जो आई ए या आई एस एस जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी आर्मेचर में, ये दो पार्ट्स में जाएगी, किसके हो के बराबर होगी, ये होगी आई एस एच शंट करंट प्लस लोड करंट आई एल। तो यहाँ से करंट की ये इक्वेशन निकल के आएगी। अब क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम, क्वेश्चन है तो सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन पे देगा, वो बोलेगा कि लॉन्ग शंट में होता है क्या होता है, ये बोलेगा आर्मेचर उसके सीरीज में एक वाइंडिंग होती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में एक शंट वाइंडिंग होती है, एक ऑप्शन बना दिया, ऐसे दो तीन और भी गलत ऑप्शन बना देगा फिर आंसर पूछ लेगा। अब लॉन्ग शंट देखते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्ग शंट में क्या होता है, ये लॉन्ग शंट था, लॉन्ग शंट के बाद शॉर्ट शंट देखते हैं, शॉर्ट शंट से हम कंपैरिजन करते हैं। शॉर्ट शंट में भी एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ पैरेलल में शंट में, पैरेलल में क्या एक फील्ड वाइंडिंग होती है, सिम क्या बोल देंगे एस एच शंट। इसमें करंट होगा शंट वाइंडिंग का, उसे क्या बोलते हैं आई एस एच। और ये जो कॉम्बिनेशन है आर्मेचर के पैरेलल में क्या है फील्ड वाइंडिंग है, और इसके सीरीज में क्या है एक फील्ड वाइंडिंग और इस पूरे कॉम्बिनेशन के, और फिर अपन लोड को सप्लाई देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा लोड। तो क्या बोलता है, इन दोनों के कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन दे देगा। शॉर्ट में तो क्या होता है कि आर्मेचर है, इसके साथ पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग होती है, और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में क्या होती है एक सीरीज वाइंडिंग होती है, श्रेणी क्रम में एक सीरीज वाइंडिंग और होती है। यहाँ क्या होता है आर्मेचर था, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग होती है, और उस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में क्या होती है शंट वाइंडिंग होती है। तो इन दोनों के कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर अब इसकी करंट देखते हैं, करंट कहाँ इंड्यूस्ड होती है आर्मेचर में, आर्मेचर में करंट आई आई ए, आई ए करंट हमने मान ली इंड्यूस्ड हुई। अब ये आई ए करंट किधर किधर जाएगी, एक तो इधर जाएगी शंट वाइंडिंग को एनर्जाइज करेगी, शंट वाइंडिंग के अंदर फील्ड
जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पैदा करेगी। इधर क्या, इसमें जाएगी आईएसई, आईएसई में भी जाएगी, और आईएसई और लोड ये तो एक ही बात है, जो सीरीज में जाएगी वही लोड को जाएगी। तो इसके अंदर पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन सी करंट बराबर है, यहाँ पे सीरीज और लोड ये दोनों करंट बराबर होंगे। आई एस ई सीरीज करंट इक्वल टू लोड करंट, एक तो ये दोनों बराबर होंगी। फिर क्या होगा कि आई ए जो यहाँ से निकल रही है आर्मेचर में से, ये किसके बराबर होगी, आई ए दो जगह पे जा रही है, एक तो इधर जा रही है यहाँ से आने के बाद इधर शंट वाइंडिंग में, एक तो शंट को जा रही है और ऊपर सीरीज को जा रही है आई एस। ये बन गया आपकी करंट इक्वेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ों में करंट खर्च हो रही है, जो आर्मेचर में करंट आ रही है, आर्मेचर में जो करंट इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो दो चीज़ों में खर्च हो रहा है, एक तो करंट शंट को जा रही है और एक साथ में सीरीज को जा रही है। इसको सीरीज लिखो या सीरीज के बराबर ही क्या कहे आई एल है, लोड करंट भी इसके बराबर है, या फिर इसको आई एल भी लिख दो। तो क्वेश्चन ये बनाएगा कि इसमें कौन सी करंट बराबर होती है लॉन्ग शंट में, लॉन्ग शंट में आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बराबर होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर वो देना चाहेगा तो दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्वीट शॉर्ट भी है, लॉजिकल भी है। जबकि यहाँ पे हम लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट की बात करें तो शॉर्ट शंट में क्या होता है, सीरीज करंट और लोड करंट दोनों बराबर होती है। या तो क्वेश्चन करंट करंट खेल के बनाएगा वो, या फिर क्वेश्चन बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कि लॉन्ग शंट में क्या होता है आर्मेचर और सीरीज होता है, इस पूरे के पैरेलल में शंट होता है, लेकिन इसमें आर्मेचर के पैरेलल में शंट होता है समांतर में, और फिर उसके सीरीज में वाइंडिंग होती है, जिसे सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जनरेटर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर जो जनरेटर में जो ईएमएफ पैदा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पैदा होता है, उसका मान कितना होता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लैंग्वेज पे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देगा कि कौन सा इक्वेशन सही है ईएमएफ इक्वेशन के लिए, या फिर हल्का न्यूमेरिकल दे देगा, छोटा न्यूमेरिकल। तो अब हमें डेरिवेशन देखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन देखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर कितना होता है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर, इसको यदि हम डिनोट करें ई जी से, ई मतलब ईएमएफ और जी मतलब जनरेटेड, जो जनरेटेड ईएमएफ हो रहा है, ई जी क्या होता है, एन पी 5/60 वोल्ट, ये ईएमएफ होता है जो इलेक्ट्रॉन, ईएमएफ जो जनरेट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ओके, तो ये क्या था, ईएमएफ जनरेटेड इन जनरेटर। अब हम बात करें कि जो ईएमएफ जनरेट होता है ये क्या चीज होता है, ये किसकी चीज पे और डिपेंड करता है। अब यदि हम बात करें कंप्लीट, तो ये ईजी क्या होता है, NP5/60, अभी बताएंगे एन क्या है, पी क्या है, फाई क्या है। यदि हम कंडक्टर्स की बात करें, सीरीज कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर्स की, माना जेड इसमें कंडक्टर्स हैं, जेड क्या है टोटल कंडक्टर्स और ए क्या है नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स। ये आर्मेचर की कंस्ट्रक्शन पे और डिपेंड करता है कि हमने लैप वाइंडिंग ली है या फिर हमने वेव वाइंडिंग ली है, तो ये हो जाता है कंडक्टर्स के साथ, अगर कंडक्टर्स को देखें तो उसके आधार पे फॉर्मूला, यदि हमें कंडक्टर्स की बात और की जाए तो क्या होता है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट बात करते हैं किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए। तो वेव वाइंडिंग के लिए मैंने बताया था, वेव वाइंडिंग में 1:2 होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टर्स, आर्मेचर में जो समांतर वह कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनका मान 2 होता है, किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए, वेव वाइंडिंग में। तो वेव वाइंडिंग के लिए जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई जी इक्वस टू NP5/60 × Z/2, क्योंकि क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल कंडक्टर्स हो जाते हैं और इसी तरह उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी आधा हो जाता है, मतलब ये इक्वेशन बन के आ जाएगी इतने वोल्ट। अब यदि बात करें किसकी, वेव वाइंडिंग ही कर ली जिसके लिए 1:2 था, अब हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग।
तो लैप पॉइंटिंग के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? लैप पॉइंटिंग के लिए एक कमांड क्या होता है, पी, यानी नंबर ऑफ पोल, जितने पोल का जनरेटर है उतने ही एक कमांड हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ ईजी, ईजी का मान हो जाएगा एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन पी। एक का मान क्या हो जाएगा, पी, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, कितने वोल्ट, यहां पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या, जेड क्या है यहां पे। अब एक एक चीज को देख लो, यहां पे पी क्या है, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, यहां पे फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स पर पोल है, फाई, फ्लक्स पर पोल, सीधी भाषा में याद रखो फाई क्या होता है, फ्लक्स। तो ये फाई क्या है, फ्लक्स है, यहां पे पी नंबर ऑफ पोल है, एन क्या है यहां पे, एन है यहां पे रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट मतलब रोटेशन मतलब साइकिल, साइकिल बोल दें, साइकिल मतलब चक्कर बोल दें, फ्रीक्वेंसी बोल दें, कि वो 1 मिनट के अंदर कितने रोटेशन लगा रहा है हमारा आर्मेचर, वो क्या होता है, एन का मान, इसको हम मानते हैं आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। जैसे हमने बोला कि किसी आरमेचर की स्पीड है 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम का मतलब 1500 रोटेशन पर मिनट काटता है वो, 1 मिनट में 1500 बार घूमता है वो, तो ये होता है रोटेशन पर मिनट। पी हो गया, फाई हो गया, एन हो गया, अब जेड देखते हैं, जेड मैंने बता दिया आपको, जेड क्या होता है, इधर देख लेते हैं, जेड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर मतलब चालकों की संख्या, आर्मेचर चालक हैं उनकी संख्या, ठीक है। और क्या बच गया यहाँ पे, जेड, जेड आ गया, पी क्या है, पी नंबर ऑफ पोल है, ये भी वही सेम है, नंबर ऑफ पोल। अब यदि हम बात करें ईजी की, ईजी क्या है, ईजी क्या है, जनरेटेड ईएमएफ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये देगा कि ईएमएफ की इक्वेशन बता दो ईजी की, जो जनरेटेड ईएमएफ है, या फिर बोलेगा कि कंडक्टर्स के साथ ये दे देगा ऑप्शन, ये ना हो ये हो जाएगी। अब बोलेगा वेव वाइंडिंग के लिए बता दो, तो यहाँ पे पी का मान दो रखते हैं, एक का मान दो रख देंगे नीचे। बोलेगा लैप वाइंडिंग को बता दो, तो जितने पोल है उसी का मान रख देंगे, जैसे उसने बोला 6 पोल का जनरेटर है तो पी का मान 6 रख देंगे। इसी से न्यूमेरिकल भी बनेंगे इस पे छोटे, जो हम एक्सरसाइज लेक्चर में देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हो सब कमांड सिंपल रख के। और फिर आगे बात करें तो ये एन पी फाइव क्या क्या होते हैं। तो ये थी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक जनरेटर लॉसेज, जनरेटर लॉसेस देखते हैं, जनरेटर लॉसेज, जनरेटर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं। तो जनरेटर लॉसेस, जनरेटर में पहले हम वो देखते हैं जो इसमें मेन लॉसेस होते हैं, तो इसमें आयरन लॉस या कोर लॉस होता है, आयरन लॉस या कोर लॉस, या फिर इन दोनों, ये दोनों के दोनों आयरन लॉस या कोर लॉस है, क्यों क्यों होता है, ये होता है मैग्नेटिक लॉस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में लॉस होता है, उसी को इसीलिए इनको मैग्नेटिक लॉस भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी बोला जाता है। अभी जब टोटल लॉस देखेंगे तब देखेंगे ओमिक लॉसेज होते हैं, मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, और या फिर ये लॉसेज होते हैं, आयरन बोलो या कोर बोलो या मैग्नेटिक लॉस बोलो, क्योंकि आयरन कोर, आयरन या कोर लॉस, कोर लॉस मीन्स जो कोर होती है उसमें लॉस होता है, जो आर्मेचर कोर होती है उसमें, और वो किस लिए होता है, मैग्नेटिक लॉस के कारण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मैं आयरन लॉस या कोर लॉस की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिंदी में बोले तो शैथिल्य, शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि।
तो ये हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है? ये हिस्टेरेसिस लेक्चर के अंदर जो लिया था मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, उसमें कंप्लीट हम देख चुके हैं। तो हिस्टेरेसिस लॉस में होता है, ये होता है मैग्नेटिक में रिवर्सल होने के कारण, कि आर्मेचर है वो लगातार रोटेट करता है रोटेट करता है, तो कभी एन पोल से गुजरता है कभी एस पोल से, और इसके कारण जो मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण जो लॉस होता है वो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। इसको हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में कंप्लीट देख चुके, लेकिन अब जनरेटर में आ गया तो दोबारा देख लेते हैं ये क्यों होता है। हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? रिवर्सल के कारण, क्योंकि ये एन है ये एस है, दोनों के बीच ये वाइंडिंग है, लगातार रोटेट करती है रोटेट करती है, तो क्या होता है कभी एन पोल से कभी एच पोल से। लेकिन पदार्थ का प्रॉपर्टी होती है कि वो एक बार डीमैग्नेटाइजेशन हो जाता है तो वापस से डीमैग्नेटाइज उसी नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स में नहीं होता। हमने देखा था बी एच कर्व, इधर एच लिया था इधर बी लिया था, कि वो जाता है ऊपर बी मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन वापस से इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ जीरो होने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे लगाना पड़ता है। तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ता है इसी के कारण हमें लॉस होता है। तो हाँ ये हमने देख लिया हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इसका इक्वेशन दोबारा देख लेते हैं। डब्ल्यू एच इक्वल टू ईटा बी मैक्सिमम की पॉइंट पावर 1.6 इंटू एफ वी वोल्ट, वोल्ट किस में मेजर करते हैं इसको, वोल्ट में। यहाँ पे ईटा क्या था, पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है। बी मैक्सिमम, बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, हिस्टेरेसिस में हम पूरा देख चुके हैं। एफ क्या होता है, रिवर्सल पर सेकंड, या फिर बोले फ्रीक्वेंसी। वी क्या है, वी वॉल्यूम है, मटेरियल का वॉल्यूम। तो ये इसकी इक्वेशन थी जो दोबारा से देख ली, और ये देख लिया हिस्टेरेसिस लॉस। अब हम बात करते हैं कि इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए, ये भी हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लेक्चर में देख चुके। क्या करते हैं हम, कि हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसके लिए जो सॉफ्ट मटेरियल हो, जैसे सॉफ्ट आयरन लिया हमने, सॉफ्ट आयरन, तो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो बहुत कम लॉस होता है। तो पदार्थ ऐसा लेते हैं जिसकी ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी मैं हिस्टेरेसिस लॉस में, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, कोअर्सिटिविटी, ये प्रॉपर्टी है, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये विरोध करती है मैग्नेटाइज होने के बाद। वापस हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, या फिर बोले डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है ये उसका विरोध करती है। तो ये प्रॉपर्टी कम से कम होनी चाहिए ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। अब ये सेकंड देखते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस हमने देख लिया, दूसरा होता है एडी लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस हम इस मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में देख चुके कि एडी करंट लॉस क्या होता है, दोबारा देख लो। आर्मेचर रोटेट करता है हम सबको मालूम है, तो फ्लक्स कट करता है, फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसके कारण कोर के अंदर जो आर्मेचर कोर होती है उसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और उस करंट के कारण एनर्जी का लॉस होता है, इसी को बोलते हैं एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस भी मैग्नेटिक फील्ड जो आर्मेचर से लिंक करती है उसी के कारण लॉस होता है। तो ये क्या होता है कि जब आर्मेचर रोटेट करता है, आर्मेचर रोटेट करेगा तो फ्लक्स कटेगा, तो फ्लक्स को कट करेगा, फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यही तो था उसका फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इसी के अंदर जैसे आर्मेचर है, आर्मेचर रोटेट करता है तो आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है, इससे क्या होता है आर्मेचर कोर के अंदर लॉस होता है। और ये क्यों होता है ऐसा, ये होता है वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट था उसके कारण, फैराडे का नियम जो बोलता है कि जैसे फ्लक्स कटेगा इंड्यूस्ड होगा। तो ये किस लिए होता है, एडी करंट लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फिर वापस से इसकी इक्वेशन देखें कि एडी करंट लॉस की इक्वेशन क्या थी, इसे एडी करंट इसे लिखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम आर्मेचर को लेमिनेट करते हैं, आर्मेचर पर लेमिनेशन किया जाता है,
लेमिनेशन ऑफ कोर। तो हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं ताकि वो छोटे छोटे, वो कोर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उसके अंदर ये जो एडी करंट है, एडी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा। भंवर धारा, भंवर धारा जो मतलब जो भी करंट पैदा हो रही है उसको एडी करंट बोल दो या भंवर धारा बोल दो। लेकिन इन दीवारें भी इसको ध्यान रखे कि इसको एडी बोलते हैं, क्योंकि वो एडी को हिंदी में लिख के दे देगा, ऐसा बहुत बार कर देता हूँ, एडी करंट लॉसेज। तो इंग्लिश वर्ड तो देखना पड़ेगा, बाकी मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको सब। तो ये क्या हो गया, लेमिनेशन ऑफ कोर के कारण होता है WE। इसको बचाने का उपाय है, ये क्या है कि इसको एडी करंट लॉस को कम कैसे किया जाए। तो इसका एडी करंट लॉस को बचाने का उपाय क्या है कि इस लेमिनेशन किया जाता है कोर को। ये पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपसे, कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, लेमिनेशन ऑफ कोर। कोर है जो आर्मेचर कोर है उसको लेमिनेट किया जाता है। फिर इसकी इक्वेशन भी देख लो कि हमने वहां पढ़ी थी मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लेक्चर में। इस ये क्या होता है, WE एडी करंट लॉस क्या होता है, के बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी वोट। यहाँ पे के क्या है, कॉन्स्टेंट है जो मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। एफ क्या है, वो सेम फ्रीक्वेंसी या फिर रिवर्सल पर सेकेंड। टी क्या है, यहाँ पे टी है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, कि लेमिनेशन की थिकनेस मोटाई कितनी है। और वी क्या है, वी वॉल्यूम है। ये कोई नया नहीं है, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस में दोनों फॉर्मूले हम देख चुके, ये दोनों ये भी देख चुके, लेकिन जनरेटर के अंदर दोबारा से आया है तो हम दोबारा से देख रहे हैं। तो हमने ये दोनों जनरेटर के अंदर जो आयरन लॉस होता है, आयरन लॉस बोलो या कोर लॉस बोलो या फिर मैग्नेटिक लॉस बोल दो, तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं जनरेटर के कंप्लीट लॉसेज, कि जनरेटर में कौन कौन से कंप्लीट लॉस होते हैं। अब हम टोटल लॉसेज और देख लेते हैं कि टोटल लॉसेज इन जनरेटर। टोटल लॉसेज देखते हैं हम कि जनरेटर में टोटल लॉसेज कौन कौन से होते हैं। हम टोटल लॉस की बात करें, टोटल लॉस एक बात, टोटल लॉस होते हैं, एक तो होता है कॉपर लॉस। जब भी करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में तो कॉपर लॉस तो होता है। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉसेज बोलते हैं। तो ये सभी जगह होता है, सभी सर्किट्स में होता है, जहां भी करंट होगी वहां ये होगा। तो कॉपर लॉसेज क्या होते हैं, अभी डिपेंड करता है लोड के ऊपर, लोड ज्यादा तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो लॉस ज्यादा। तो जितना ज्यादा लोड होता है उतना ज्यादा कॉपर लॉस बढ़ता जाता है। तो कॉपर लॉस कहाँ कहाँ होता है, अपने पास दो ही कंपोनेंट है, एक तो आर्मेचर और फील्ड, और दोनों के अंदर करंट फ्लो होती है तो दोनों जगह होता है कॉपर लॉस। कहाँ कहाँ होता है, एक तो आर्मेचर, आर्मेचर में करंट फ्लो होती है तो आर्मेचर में भी होगा कॉपर लॉस, और फील्ड में करंट फ्लो होती है तो फील्ड में भी होगा कॉपर लॉस। फील्ड वहां देखे थे हमने, संट और सीरीज दोनों होती है तो दोनों जगह होता है, संट और सीरीज फील्ड दोनों में। तो यहां देखने गए था कि कॉपर लॉस है, जहां भी करंट फ्लो होती है वहां होता है कॉपर लॉस, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आयरन लॉस, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, आयरन लॉस बोले या फिर इसको कोर लॉस बोले या फिर ये मैग्नेटिक लॉस बोले, बात एक ही है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने देखा। तीसरा लॉस होता है जनरेटर में मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस किस लिए होता है, मैकेनिकल लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण। जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो फ्रिक्शन तो होता ही है, तो फ्रिक्शन लॉस होता है। एक होता है विंडेज लॉस, कि जो एयर होती है जिसमें वो रोटेट करता है तो एयर भी उसका कुछ ना कुछ विरोध करती है, इसे बोलते हैं विंडेज लॉस, विंडोज लॉस होते हैं। अब इनकी बात करें कि वैसे इन पे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ भी ले कि कॉपर लॉस है ये लगभग फुल लोड लॉस होता है, फुल लोड लॉस का 20 से 30% होता है, 20 से 30%। फिर मैग्नेटिक लॉस बोले, आयरन लॉस बोले या फिर हम इसको कोर लॉस बोले, ये जो है वो फुल लोड का 20 से 30%, ये भी सेम होता है 20 से 30%।
और ये मैकेनिकल लॉसेज हैं, ये टोटल फुल लोड का कितना होता है, 10 से 20%। तो ये वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो कॉपर लॉस है, कोर लॉस है, कॉपर लॉस, ये क्या होता है, वेरिएबल लॉस होता है, क्योंकि करंट लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो ये लॉसेज ज़्यादा होंगे, जबकि आयरन लॉसेज है ये कॉन्स्टेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। और मैकेनिकल लॉसेज हैं इनको भी कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये विंडेज अफेक्शन लॉस लगभग कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बोलता है, वैसे ये लॉसेज है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरेटर के अंदर, लॉसेज पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक छोटा सा और है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस क्या होता है, स्ट्रे लॉस क्या होता है कि मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस इन दोनों को एक साथ बोल दिया जाता है मिला के, कि मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या थे, फ्रिक्शन और विंडेज, और मैग्नेटिक क्या था, मैग्नेटिक लॉस या आयरन लॉस था या कोर लॉस, इन दोनों को मिला के एक साथ क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रे लॉस। क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस बोल दिया जाता है इन दोनों को मिला के। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्ट्रे लॉस क्या है, स्ट्रे लॉस मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल। फिर हम मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल, और जैसे हम बात करें टोटल लॉस की, तो टोटल लॉस की बात करें, टोटल लॉस क्या होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस ये जो मैग्नेटिक लॉस है, कांस्टेंट लॉस है, इसको देखते हैं, आर्मेचर कॉपर लॉस प्लस डब्ल्यू सी से लिख दिया क्या है, लॉस को डब्ल्यू से लिखते हैं, और सी क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लॉस है, स्थिर लॉस है, जबकि वेरिएबल क्या होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होता है, वेरिएबल, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करता है और करंट लोड पे डिपेंड करती है, और लोड बढ़ता करता रहता है जनरेटर के ऊपर, फिक्स नहीं रहता। तो ये क्या होता है, इसको बोल देते हैं वेरिएबल लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस प्लस कॉन्स्टेंट लॉस। तो इसमें कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। अब ये बोलता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, कंडीशन क्या बोल रहा है, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वेरिएबल लॉस और कॉन्स्टेंट लॉस दोनों बराबर होने चाहिए। ये क्वेश्चन बना दे देता है वो, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेटर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि वेरिएबल लॉस और कॉन्स्टेंट लॉस दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या फिर ये पूछ लेता है स्ट्रे लॉस क्या है, तो मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा मैग्नेटिक प्लस कॉपर लॉस, मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल लॉस, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा जिनमें से एक सही होगा मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, चुंबकीय हानि, और मैकेनिकल मतलब यांत्रिक हानि जो फ्रक्शन या विंडेज के कारण होती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था डीसी जनरेटर, काफी लंबा भी लेक्चर है क्योंकि पूरा सिलेबस भी कवर करना था, डीसी जनरेटर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, मैंने बिल्कुल भी आपको कुछ भी डाटा रटाने की कोशिश नहीं की है, सभी जो भी इसके टाइप्स ऑफ जनरेटर थे सभी के सभी मैंने ड्राइव कर करके आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से उम्मीद थी, वो सब कवर किया है मैंने। तो उम्मीद आपको अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो भी एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएलपी टेक्निकल के लिए। ओके, थैंक यू।